सिख चैनल देख रही यूके यूरोप के देश विदेश की संगत में वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। असं अज पहुंचे हैं गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता जिथे साडे नाल इस वेले मौजूद ने बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल ते उन्हां नाल अज विशेष तौर दे उत्ते गलबात करन दे लई असीं इत्थे पहुंचे हैं। बाबा जी पहला फतेह की सांझ पावांगे। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। जी बाबा जी, सब तो पहला ये सिख संगत जानना चाहती है कि जो ये विवाद एक होया, ये विवाद शुरू कदों होया ते इसके पिछे असल गल की है। मैं देश विदेश दियां समुचियां संगतां दे चरणां विच सनमर बेनती करनी चाहुंदा कि अज तो 4 साल पहला ढड्डियां वाला इंग्लैंड विखे किसी गुरु घर दे विच उन्हें प्रचार करदिआं करदिआं दमदमी टकसाल की दस्तार उत्ते उंगल चुकी और साढ़े को क्लिप मौजूद है, बिना प्रूफ तो नहीं असं ये गल करते। उन्हें यह गल कही कि इन्होंने टकसाल की दस्तार लीरो लीर करती, हालांकि ये जी दस्तार है ये कलगीधर पातशाह जी ने अपने गुरसिखा दिती है। दस्तार के मसले तो समुची दुनिया के बहुत व्डे व्डे मसले सिख कौम के लिए अगे उभर के आए तो सिख कौम ने उन्होंने मसलों का बड़े संघर्ष करके उसका सामना किया। किसी व्यक्ति विशेष न एक आम सिख की दस्तार के उत्ते उंगल चुकन का अधिकार नहीं, तो जिहड़ा अपने आप को यह कहे कि मैं बहुत वड्डा प्रचारक है, मैं बहुत वड्डा संत है, मैं लखां संगतां नूं संबोधन करदा, वह व्यक्ति फिर वो संस्था जिहदा 300 साल का इतिहास है, जिहदे मुखियां ने सिख कौम लई कुरबानियां कीतियां, शहीदियां दित्तियां, जिस टकसाल ने सिख कौम नूं 300 साल तो लैके गुरमत दे गुरबाणी दे सिधांतां दे नाल जुड़ी रखिया और उस संस्था की दस्तार दे उत्ते उंगली चुकनी और इहो जी अपमानजनक टीका टिप्पणी करनी, एक किस्म का यह मजाक उड़ाउणा, एक किस्म का यह मखौल करना लोकां दे विच इस जथेबंदी दे सन्मान नूं नीवा दिखाउण लई, पहली गल उहनूं इह गल सोभा ही नहीं दिंदी। मैं पिछले 4 सालों के कदे भी ढड्डियां वाले के खिलाफ एक शब्द किसी मीडिया विच किसी स्टेज पर मेरा साबित करो, जो संगत कहेगी मैं सजा भुगतन तैयार है। उस तो बाद इन्हां दे बंदे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया राही वो क्लिपां होर गलत प्रापेकंडे दे प्रचार ये दिन ब दिन करते रहे। मैं फिर बहुत लंबे 4 साल अड़ीक की कि बंदा वो गल अपनी वापस भी लवे, अमेरिका च भी बोलिया, मैं उत्थे भी सिंह भेजे, मेरे को सिंह मौजूद है, उन्होंने सिंघा ने भी ये गल की भी तुम यह गल नहीं, पता नहीं जी मेरे तो किमें हो गई जी, मैं पता नहीं इदा की गल जी करके ढाल गया। फिर दोबारा फिर स्टेज तो इतने अमेरिका च यही शब्द इन्हें बोले, तो यह गल चलती रही। बंदा एक बारी बोलता, दो बारी बोलता, उस तो बाद मैं कथा दे विच सिद्धांतक गल्लां कीतियां कि एक अपने आप नूं कोई अखावे कि मैं सिख प्रचारक है, तो सिख प्रचारक उन्हूं घट्टो घट गुरमत सिद्धांतां दा गुरु घर दीआं परंपरावां दा ज्ञान होना चाहिए। साडी सिख रहत मर्यादा की कहिंदी है, सिख रहत मर्यादा दे विच 4 रंग लिखे है सिख नूं दस्तार दे सजाउण लई। केसरी रंग है सब तो पहला, फिर नीला रंग है, फिर काला रंग है, फिर सफेद रंग है, चिट्टा रंग है। 4 रंगों तो बिना 5वां रंग भी नहीं कोई सिख बनन दी अलाउ नहीं, उन्होंने आग्या नहीं, लेकिन यह तो सिख प्रचारक है। ये बंदे ने कदे लाल रंग दियाँ पगां, कदे हरी रंग की दस्तार, तो सारा बाणा ही ने वख वख रंगों का पाउणा, फिर तरह तरह के अपने लिबास। मैं ये गल कही, मैं अज भी उस गल ते खलोता कि जिहड़ा बंदा एड्डी वड्डी महान संस्था की दस्तार उत्ते उंगल चुकदा वो आप किन्ना क दस्तार का सत्कार रखदा, वो आप किन्ना क सिख रहत मर्यादा का सम्मान रखदा, पहला वो अपने अंदर पड़चोल करे। फिर दूजी गल मैं ये गल कही, मैं कल्ला इहदे बारे टीका टिप्पणी नहीं की, मैं इहदे साथियों बारे भी, मैं पंथ प्रीत बारे भी, धुंदे बारे भी ये गल्लां कहियां भी अज दे समें दे विच देखो अमर संचार की मर्यादा नूं किड्डी वड्डी ढाल आई जा रही है, साडी अरदास बदल दित्ती गई। श्री दसम ग्रंथ साहब जी दे उत्ते किन्नी भद्दी ते घटिया किस्म की शब्दावली का कूड़ का लोग प्रचार कर रहे हैं। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी बाबत भी बहुत लोग जिहड़े गलत प्रचार कर रहे हैं, बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रति भी दुविधा पैदा कर रहे हैं। और जिहड़े साडे सरोवर है
जिन्हां सरोवरां ते सिख जाके रोज़ इशनान करदा रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते उन्हां सरोवरां दे उत्ते भी ये लोग संगतां दे विच गलत टीका टिप्पणियां करके साडियां परंपरावां दा जो आदि काल तो चलियां आईयां उन्हां दा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उन्हां लोकां दी भी गल कीती, इहदी भी गल कीती। इस व्यक्ति ने अपनी गलती तस्लीम करन दी बजाए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी च इन्नी भद्दी किस्म दी शब्दावली ने बोली जी। मैं एक गल कहना, इहो जिहे व्यक्ति नूं ना संत खवाउण दा अधिकार है ना सिखी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी च बाहवां लार लार के कहना इह सरकारी संत है, इहदे नाल सरकारी गनमैन है, इहदे नाल सरकारी जिप्सियां, इहदे कोले सरकारी हथियार है। मैं इक्को गल अज वी सारे मीडिया च कहनी चाहुंदा कि ढड्डरियां वाला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी विच बैठे, मैं भी बैठांगा, साबित करे कि मेरे कोल किहड़ा सरकारी गनमैन है, किहड़ा सरकारी हथियार है, किहड़ियां सरकारी गड्डियां। एक मिनट पहले सुन लो, एडे झूठे ते मन घड़ते इल्जाम गुरु की हजूरी का भी भय नहीं। उन्हूं तुसी प्रचारक कह सकते हो, उन्हूं तुसी सिख कह सकते हो, उन्हूं संत कह सकते हो, जिहड़ा एडी नीवी शब्दावली का इस्तेमाल करे। फिर दूजी गल, ढड्डरियां वाले नूं इह किहने अधिकार दिता कि वह किसी नूं सरकारी ते पंथ कहण दा, मतलब ये उहदे कोले की हक है कि वह पंथ का ठेकेदार है, कोई जिन्हों मर्जी जो मर्जी कह दे। ये संगत ने वेखना, पंथ ने वेखना कौन संगत दीआं भावनावां ते पूरा उतरिया कौन नहीं उतर रहा जी। इस करके वो आए दिन कूड़ का प्रचार कर रहे, आए दिन उन्हें इहो जिहियां घटिया किस्म दीआं शब्दावलियां। ये जिन्ना मसला सारा उस करके सारा जो कुछ वो बोलिया, अज वो जिस रस्ते ते पिछले लंबे समय तो चल रहा, जिन्हां परंपरावां दी पहलां गल करदा सी, अज उन्हां दे उल्ट और उन्हां तो उल्ट जिहड़े दुखी आ गुरु घर दे, गुरमत नूं ढा लाउण वाले आ, सिक्खी सिधांतां दा मजाक उड़ाउण वाले, उन्हां दे नाल खड़ा उह रात दिन। ते इस करके उहदी सोच दा आपां नूं अंदाजा लाउणा चाहीदा कि अज उह कित्थे खलोता। इस करके जो कुछ भी घटनाक्रम वापरिया उहदे वल्लों पहल होई आ, उह अजे तक भी अपनी इस गलती दे उत्ते पर्दा पा के इस गल नूं बदल के होर होर गल्लां बना बना के कह रिहा। मैं जो गल्लां उठाईआं मेरीआं गल्लां दा उह सिधांतक तौर ते जवाब दिंदा। दो तरहां दे मसले, इक जाती इक जमाती है। जमाती मसलों का सानू जमाती तौर पर उत्तर देना चाहिए। जाति तौर पर सानू किसी की शान के खिलाफ बोलना, किसी शख्सियत बारे बोलना, किसी व्यक्ति विशेष बारे बोलना, या किसी आम सिख लिए भी बोलना, यह सब तो वड्डा गुनाह है। जिस तरह के नाल सीधे तौर पर व्यक्तिगत ताडे सीधे हमले किए गए, नाम लैके इतों तक किए गए, कि समझते जी कि टकसाल एक वक्री चीज़ है, मुखी एक वक्री चीज़ है, इस संबंध में की कहना चाहोगे? मैं एको गल कहनी चाहना, ढड्डरियां वाला बड़ी शरारत दे नाल ते चलाकी दे नाल इह गल लोकां दे विच भरम भुलेखा पैदा कर रहे हैं। पहली गल, संस्था और संस्था का मुखी वह नखेड़े नहीं कदे जा सकते, तुसी आदकाल तो देख लो, जो संस्था है जिहड़ा संस्था का मुखी है वह इक्को ही है, श्रोमणी कमेटी है। श्रोमणी कमेटी का प्रधान कोई गल करता तो सारी श्रोमणी कमेटी वालों मनी जाती है। श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार कोई गल करता, समुची कौम की नुमाइंदगी करता, तो दमदमी टकसाल संस्था नालों तो दमदमी टकसाल के मुखी को वख नहीं किया जा सकता। कदे अज तक होया है? कदे भी नहीं होया। वो जान बुझ के ना, मतलब जान बुझ के लोगों के अपना कुरूप चेहरा ना लुकाने वास्ते टकसाल के नाल जुड़िया संगतां दे विच एक भुलेखा खड़ा करने वास्ते कूड़ का प्रचार कर रहा, शरारतपूर्ण टिप्पणियां कर रहा। जिस तरह के नाल गल कर लीए कि एक संत की जी भाषा होंगी है वह बड़ी मर्यादा के होंगी है, इस संबंध में की कहना चाहोगे कि एक संत की भाषा जी मर्यादा की होनी चाहिए? देखो बेनती ये है, पहली गल तो जी संत नाम जिहड़ा जां संत पदवी है सिखां दे विच बहुत उच्ची जी, संत अवस्था का नाम है जी, जिन्हां सास ग्रासना विसरै हरनामा मनमंत धन से सही नानका पूर्ण सोई संत, संत करनी का नाम है। ते दूसरी गल, संत दे विच जिहड़े गुण है हलीमी वाले, निम्रता वाले, सादगी वाले, ये सारा पक्ष संत दे कोले होना चाहिए। ते तुसीं ढड्डरियां वाले दी रहनी, ढड्डरियां वाले दी बोली तो अंदाजा ला लो भी उहदी भाषा, उहदी रहनी की सिख संतां वर्गी है, जो कुछ वो कर रहा जां उहने कीता पिछले समें दे विच, वो तो इस नाम की करनी दे नेड़ दी भी नहीं लंघिया लगता अजे तक। संत एवें नहीं बन जाता, जो मैं अपनी भी गल करदा
मेरे वर्गा तो संत जिहड़े पूर्ण महापुरख है ना जी, जिन्हां जिहड़े इस अवस्था के मालक होए है जां हो सकदे है जां हन वी, उन्हां दे चरणां दी धूड़ दे किणके दे बराबर भी नहीं असीं तां मेरे वर्गा हो सकदा। तो इस करके संत कहाउणा, मान लो प्रचारक कहाउणा, प्रचारक दा इह मतलब नहीं जी कि जो मर्जी वह बोली जाए वह सारे सुनी जाण, फिर कोई जापता नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई संजम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं जबान ते। असी गुरु महाराज की हजूरी च कुछ भी बोलना 100 वारी सोच के बोलीए, जिहड़ा साडा शब्द है वह साडे मूहों जदों निकल रहा वह लखां संगतां दे विच जाणा, हजारां संगतां दे विच जाणा, सैकड़े संगत दे विच जाणा, उहदे की अर्थ है? सानूं जिहड़े बंदे दा जबान ते ही कंट्रोल नहीं, जिहड़े बंदे दा इन्ना ही संजम नहीं, उहदी सोच दा तुसीं अंदाजा ला लो कि कित्थे खड़ी। संत समाज के मुखी होने के नाते कभी पहला भी अजिही कोई मीटिंग संत समाज के नाल कीती होवे कि जेकर कोई प्रचारक गलत बोलता है तो वह अपनी मर्यादा का ख्याल रखे? नहीं, मैं ना जी पहला बहुत इस गल के उत्ते अपने तौर पर बहुत प्रचार कर रहा जी। मैं हर स्टेज से लगभग रोज़ ही हूँ महापुरखों की याद में चार तीन शहीदी समागम चल रहे, मैं उन्होंने भी बोल रहा कि अज के जोड़े साडे प्रचारक है ना जी, वो जहर के कंडे बीज रहे हैं, उन्हां दी शब्दावली इन्नी घटिया किस्म की है, उन्हां दी शब्दावली का कोई म्यार नहीं। हुण धुंदे वर्गे बंदे दसम पातशाह जी की बाणी बारे किन्ने भद्दे शब्द बोल रहे हैं, तो घग्गे ने किहो जिहे शब्द बोले है जिहड़े एक सिख अपनी जबान तो भी नहीं कह सकता। इन्नी इन्ना साडा नीवा तल नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक गल कहनी चाहुंदा जरूरी समुचे पंथ दे विच, पंथ दे विच पुराने कुछ मसले चले आउंदे आ, उन्हां मसलियां दे विच श्री दसम ग्रंथ साहब जी का भी मसला, राग माला दे भी मसला, रहत मर्यादा का भी मसला, कुछ मसले हैगे आ। पर जे कुछ विरोधी विचार रखण वालियां दे अंदर इहो जिहे मसले पैदा होए है ना, टकसाल ने कदे उत्थे टकराव नूं पहल नहीं दित्ती, उत्थे विचारां नाल उन्हां मसलियां दे हल कीते आ। मंगलां दा मसला उठिया उहदा हल कीता, इस करके होर भी मसले आ उत्थे विचार नूं ही पहल दित्ती जांदी आ। पर इह जिहड़े लोक आ ना जी कुछ इहो जी श्रेणी, इह साडे च टकराव पैदा कर रहे, सानूं साडे विच ना इह एक खाना जंगी का माहौल सिरज रहा जिहड़ा सिख कौम लई बहुत वड्डा घातक है। जिस तरह के नाल कि उन्होंने तुहाडे ते कहा वा कि तुसीं एक सरकारी संत जे, जां वी कहा कि वक्ख वक्ख थावां दे उत्ते इन्हां ने जगह जिहड़ियां उन्हां दे उत्ते कब्जे कीते ने ते जबरदस्ती कीते ने, इस इल्जाम दे संबंध विच की? पहली गल तां देखो बेनती ये है कि ढड्डरियां वाले नूं इह कोई अधिकार नहीं है, ढड्डरियां वाला पंथ का ठेकेदार नहीं, पंथ का मुखी नहीं, वह किसी नूं पंथक कहे किसी नूं गैर पंथक कहे, इह ढड्डरियां वाले कोले नहीं हक है। ये सिख कौम ने यह निर्णा करना भी कौन सही है कौन गलत है, पहली गल। दूजी गल जिहड़ा ढड्डरियां वाला ये गल्लां करदा ना जान बुझ के इल्जाम तराशी, ढड्डरियां वाला दसे कि मैं किहड़े डेरियां ते कब्जा कीता जां किहड़ियां जमीनां नप्पियां, मैनूं एक गल दा ढड्डरियां वाला जवाब दे, मेरे कोल मेरे ते तां गल करदा पंजाब दे विच, पंजाब तों बाहर दुनिया का एडा लैंड माफिया कदे ढड्डरियां वाला उहदे बारे बोलिया? थां थां कब्जे कर रहे आ लोक गरीबां दीआं जमीनां दे उत्ते, पोलीटिकल शह दे उत्ते, बड़ा कुछ हो रहा पंजाब दे बाहर भी हो रहा, कदे ढड्डरियां वाले ने उहदे बारे कदे मोर्चा लाया भी मैं लैंड माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मैं लोगों को आजादी दवाऊंगा इन्हां लोगों तो, मेरे ते इल्जाम तराशी करनी साबित करे ना, उही इल्जाम लाई जाने, इल्जाम लाई जाने, गल्लां करी जाणियां, ये शोभा नहीं दिंदियां। कह उहनूं साबित कर, दिखा किहड़ी थां ते मैं कब्जा कीता, किहड़ी थां ते कब्जा करके मैं बैठिया। जे कोई भी मसला उठिया पहलां उहदी असलीयत उहदी तह तक जाणा चाहीदा। जे कोई मेरे कोल बतौर संत समाज दा मुखी होण दे किसे दा कोई मसला आया, मैं उहदा हल कीता, मैं अपने लई कुछ नहीं कीता हैगा। जिहड़ा गुरद्वारा समस्तपुर बाबे शहीदां दी उहने गल कीती, उह दमदमी टकसाल दी ब्रांच है, दमदमी टकसाल दा स्थान है, उत्थे कुछ लोकां ने जदों मैनूं सेवा संभाली आ, कुछ लोकां ने उह उस स्थान ते संस्था दे मतलब प्रबंध विच्चों बाहर कढ़न लई अपना उत्थे प्रबंध अपनी अजारेदारी कायम करन वास्ते उन्हां ने चाल चली सी, उन्हां नूं संभालना मेरी जिम्मेवारी है, मेरा फर्ज है। इन्हें तो बहुत घटिया इल्जाम लाए, इन्हें तो बहुत गलत गल्लां कीतियां इन्हें। इन्हां वल्लों यह भी कहा गया है कि जो काम टकसाल का सी टकसाल ने नहीं किया, तो अमृत संचार का जो काम है साढ़े द्वारा वधिया ढंग नाल सही किया जा गया। देखो एक बेनती यह है
ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ 300 ਸਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ 300 ਸਾਲ 300 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਮਸਤਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 3-5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਜੇ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 70% ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਗੀ ਧਰਦਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਕਟਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਆ ਔਰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੋਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਟੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 10 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਏ ਆ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਫੜ ਲਈਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੀਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ
श्री अकाल तख्त साहब जी की माण मर्यादा लिए दमदमी टकसाल के मुखिया ने दमदमी टकसाल के विद्यार्थियों ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। असीं अज भी श्री अकाल तख्त साहब नूं समर्पित हैं। मैनू श्री अकाल तख्त साहब वालों संगत दे विच जे जोड़े जोड़िया विच खड़न लई हुक्म होगा मैं संगत दे जोड़िया दे विच भी खड़ के हाथ जोड़ के जो मैनू हुक्म लगेगा मैं सिर झुका के मनूंगा। दूजी गल मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि ढड्डरियां वाला उस लॉबी दे नाल कि जिहड़ी लॉबी श्री अकाल तख्त साहब का मजाक उड़ा रही है, जिहड़ी लॉबी सिख परंपरावां का मजाक उड़ा रही है, जिहड़ी अमृत का मजाक उड़ा रही है, अरदास का मजाक उड़ा रही है, सिख संप्रदावां दे पहले मुखी करनिया वाले जिन्हां दीआं कुरबानियां उन्हां दा मजाक उड़ा रही है, जिहड़ी लॉबी श्री अकाल तख्त प्रोफेसर दर्शन सिंह वर्गे ने अकाल तख्त साहब का शरिया मजाक उड़ाया, जिहड़े तख्तां दे माण मर्यादा नूं अज भी सट मार रहे हैं, ढड्डरियां वाला अज उन्हां दे नाल खलोता, अज उन्हां दे नाल खड़ के उन्हां दी बोली बोल रहा। तो इत्थों तुसीं सोच सकदे हो कि उहदी सोच किधरले पासे नूं तुरी है। मैं इह गल कहनी चाहुंदा ते इस करके असी तो श्री अकाल तख्त साहब जी का सत्कार किया सदा ही करांगे। जिस तरह के नाल बाबा जी गल करिए परंपरावां दी, तो लंगर की परंपरा भी एक लंबे समय तो चली आ रही है, तो जिस तरह जो हमला किया गया उत्ते तो एक छबील जी गुरु अर्जन देव महाराज के जरा शहीदी दड़ा संबंध में वक् वक् जगह पर लगती है, जितों वक् वक् धर्मों के लोग जोड़े आ कितने भी छबील लगी हुए तो उतु छबील छकते हैं, वो आड़ लैके हमला किया गया है। उस मैं एको गल कहनी चाहना कि जिन्ना चर वो गल सारी सामने नहीं आ जाती उन्ना चर मैं किमें कह सकता भी ये गल हुई है। जी ढड्डरियां वाला तो यह कहूगा भी इतने महाराज का प्रकाश से उत्थे कीर्तन कथा हो रहा है, आप मन लाँगे। ये गल की सारी तहकीकात अजे होनी है, फिर सारी गल का पता लगना भी की उत्थे घटना सी की नहीं सी। छबील की भी ना जी देखो एक गल सुनो, छबील की भी कोई परंपरा ये नहीं हैगी छबील कि असी छबील लाई जाती है, अरदास की जाती है महाराज के चरणों च, फिर छबील जी संगत लंगर के रूप में वरताई जाती है। ये तो अजे जांच के साढ़े सामने आना, वो छबील है भी सी, तो पता लगना भी वह छबील लगी भी हुई सी। छबीलों के तो बकायदा बैनर लगे जाते हैं, संगत संगत लिए ठंडे मिठे जल की छबील लगी हुई है, संगतों को इतने जल छकाया जा रहा। गुरु अर्जन देव जी का शहीद गुरपुरब है, जून 84 के शहीदों की याद में छबील लगी है, ये चीज़ा अजे साढ़े सामने नहीं आई बिल्कुल। जिस तरह के नाल बाबा जी कह लिए कि RSS के वलों भी कई प्रचारक जोड़े आ सिख धर्म के भेजे जाते हैं, तो संत शब्द जोड़ा आ हर प्रचारक पहल के आधार के अपने नाल जोड़ लेता है, कि आने वाले समय के संत समाज इस संबंध में भी कोई मीटिंग करेगा कि संत शब्द जोड़ा आ। नहीं मैं तरह के मैं एक बेनती करदा जी, संत शब्द का रुतबा बहुत उच्चा सुचा है, तो हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जे पूर्ण रूप में नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर वो उस पदवी उस शब्द के नाल जो पक्ष जुड़िया होना चाहिए। इस करके जोड़ा नाम दे संत है ना केवल करने ही नहीं, उन्होंने असं पहल भी विरोध किया अभी भी करते हैं। जिस तरह के नाल गल करिए कि हुण जेकर तुहानूं लगता कोई गल रह गई है जिहड़ी तुसीं संगत नूं कहनी चाहुंदे हो देश विदेश दे विच बैठी संगत जिहड़ी आ, ते की कहना चाहोगे? मैं देश विदेश दीआं समुच्चीआं संगतां नूं हथ जोड़ के बेनती कर रहा कि अज बहुत लोग कूड़ का प्रचार कर रहे हैं, सिखी परंपरावां नूं बड़ी वड्डी ढाह ला रहे हैं और मर्यादा नूं ढाह ला रहे हैं, साडियां पुरातन परंपरावां का बड़ा बुरी तरह उघाण कर रहे हैं, रहत मर्यादा का घाण कर रहे हैं। उन्हां तों देश विदेश दीआं सिख संगतां नूं सुचेत रहण दी लोड़ है और गुरु काल तो चलिया आ रही परंपरावां उत्ते मर्यादा उत्ते सारिया संगतां नूं दृढ़ता नाल पहरा देना चाहिए। बाकी ये जिहड़ा कूड़ का प्रचार है इहदा नतारा संगतां ने आप ही कर लैणा। जेकर बाबा जी ये गल करिए कि यह प्रचार जिहड़ा इसे तरह ही जारी रहिंदा है टकसाल दे जां तुहाडे जां पंथक जिहड़ियां रवायतां ने उन्हां दे खिलाफ, तो आने वाले समय के किस तरह का नहीं, असं अज सारे संत समाज की निहंग सिंह जथेबंदियों की सिख संप्रदावान की वड्डी एकत्रता इस मसले पर की है। अज ये मसला नहीं सी साडा मुख रूप च, ढड्डरियां वाले का मसला नहीं सी मुख रूप च, साडा यही मसला सी। असी सचेत कर रहे हैं कि सारे महापुरख हर संपर्दा हर जथेबंदी सचेत होना चाहिए, सानू तकड़िया होकर साडियां जिहड़ियां पुरातन परंपरावां उन्हां ते पहरा देना चाहिए, तो सारे तकड़े होकर पहरा देन। इसलिए असी सारिआं नूं अज प्रेरणा भी की है, बेनती भी की। सो बाबा जी गलबात करन वास्ते बहुत बहुत मैं तुहाडे सारे अदारे का
ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।